छतरपुर जिले में ग्रामीणों ने प्रशासन पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में गरीबों पर कहर बरपाने के आरोप लगा है। मामला राजनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गड़ा का है, जहां बागेश्वर धाम में लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन पर पार्किंग के नाम पर गरीबों के मकान तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक शिकायती पत्र देते हुए छत्रसाल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसी तरह जाम को खुलवाया। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि एसडीएम द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और महिलाओं से अभद्रता भी की गई है। प्रशासन ने बिना किसी नोटिस या पूर्व सूचना उनके मकान गिरा दिए गए, जिसके चलते कड़ाके की ठंड में बिना किसी छाया ग्रामीण रहने को मजबूर हैं। ये ग्राम पंचायत गढ़ा द्वारा इस आशय का एक आवेदन दिया गया है कि ग्राम पंचायत गढ़ा स्थित खसा नंबर 664/2/1 कुल रकबा 82 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर को इन्होंने आबादी घोषित करने के लिए अभी एक प्रस्ताव पारित किया है और आबादी भूमि में बने मकानों को, जो व्यक्ति के मकानों को तोड़ा गया है, उस संबंध में ज्ञापन दिया है कि इस तरह की कार्यवाही ना की जाए आबादी घोषित करके। उन्होंने आरोप लगाए हैं बिना कोई सूचना बिना कोई नोटिस के मकान तोड़े गए हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि गरीबों को मकान, जहां जो कागज है उसको मकान दिए जाएंगे, उसके बावजूद भी प्रशासन तोड़ रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी। इनका आवेदन आज प्राप्त हुआ है। क्या क्यों तोड़ा है सब पता नहीं, किस बात को तोड़ रहा है हमको कुछ पता नहीं। मैं बताया है पहले से, न कोई नोटिस दिया, ताले लगे हुए हैं, टेस्ट में तोड़ दिए। शिकायत नहीं की तुमने कहीं? शिकायत अभी यही शिकायत करने तो आए थे सर जी, हम इनके पास कलेक्टर साहब के पास, जो कह रहा हम पहले जांच कर लेंगे, कब करेंगे जांच, कब करेंगे? हम लोग हम लोग जाएंगे कहाँ सर? हमारे पास घर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? मैं मकान कौन कौन लोग आए हैं? जमीन बेच के घर बनाया है सर हमने अपना, ग्राम पंचायत द्वारा भी सरकार। क्या मामला हुआ है, क्या पूरी घटना? मामला ये हुआ है कि गरीब लोगों का प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार और पटवाई, आरआई, बिना कोई कार्रवाई, बिना सूचना के, बिना नोटिस दिए आगे बुलडोजर लगा दिया। क्या कारण है, कौन करवा रहा है, किसका हाथ है इसके पीछे? अब जी हाथ नहीं बता सकते सर का किसका है, लेकिन किसी ना किसी का तो होगा, लेकिन जब तक पक्का कोई क्लियर ना हो, जब तक किसी का नाम नहीं ले सकता। अच्छा, किस तरह से परेशान हो रहे हैं गांव के लोग, क्या समस्या आ रही है? परेशानी जाइए कि आए थे उनकी संगठित कहूँ धमकी दी जाती, कहूँ जो करो रात के तमाम मकान तोड़ दे भी, जो और एक दो मकान हर 8-10 दिन में तोड़ दे।